थन थन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। पैसा बोलता था, लेकिन आजकल अमेरिकी डॉलर के सामने भारतीय रुपए की बोलती बंद हो गई है। अमेरिका भले मंदी की चपेट में आ रहा हो, लेकिन डॉलर खूब चमक रहा है। इसकी चमक के चक्कर में रुपए की रंगत इतनी फीकी पड़ी है कि भारतीय उद्योग व्यापार और शेयर बाजार के होश उड़े हुए हैं। 15 साल में सबसे बड़ी गिरावट हुई है रुपए में, 57 पैसे गिर गया है रुपया। $1 की कीमत 49.54 रुपए तक पहुंच गई है। यह 28 महीनों में रुपए का सबसे निचला स्तर है। असल में रुपए की इस गिरावट के पीछे कई वजहें हैं। पहले तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत हैं, जिससे भारतीय बाजार गिरे। उधर ग्रीस दिवालिया होने की कगार पर है और इटली के हाल भी बुरे हैं, तो निवेशक अपना पैसा डॉलर में लगा रहे हैं, इसलिए डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है। इस गिरावट से डरे विदेशी निवेशकों ने बाजार से पैसा निकाल लिया, यानी रुपया बेच दिया, तो बाजार और लुढ़क गए। बाजार के लुढ़कने के कारण निवेशकों की 2 लाख करोड़ की पूंजी सिर्फ कल ही डूब गई। लेकिन इस सब से आपको फिक्र करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम कच्चा तेल डॉलर में खरीदते हैं। रुपया जितना कमजोर होगा, तेल खरीदने के लिए उतने ज्यादा रुपए देने होंगे। यानी तेल कंपनियों की जेब से रुपया निकलेगा ज्यादा, लेकिन तेल खरीदा जाएगा कम। तेल कंपनियां फिर रोना रोएंगी कि घाटा बढ़ रहा है। फिर जाल बुना जाएगा तेल के दाम बढ़ाने का। हाल में जब 3.14 रुपए दाम बढ़े, तब भी रुपए की कमजोरी को ढाल बनाया था तेल कंपनियों ने। इसे कुछ ऐसे समझिए कि पहले $1.44 देने होते थे, तो अब 49 रुपए देने होंगे और तेल कंपनियां ये वजन लोगों पर डाल देंगी। यानी मुमकिन है कि सरकार एक बार फिर से पेट्रोल के दाम 2 से 3 रुपए बढ़ा दे। रुपए की इस गिरावट से उन लोगों को भी नुकसान है जो विदेशों में छुट्टियां मनाने जाना चाहते थे, क्योंकि पिछले 3 महीने के मुकाबले उन्हें 10% ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। हाँ, उनको फायदा जरूर है जिनके रिश्तेदार विदेश में हैं और पैसे भेजते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो फिर भी गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसे तो वही 32 रुपए से कम में दिन गुजारना है ना मनमोहन जी? थन थन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है।